बोलिए साईं भगवान की जय। श्री साईं बाबा व्रत कथा, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा व्रत की कथा। मांडवी बहन को मिली नौकरी। मांडवी बहन एक पढ़ी लिखी व विनम्र स्वभाव की बहना थी। भाई बहनों में वह अकेली थी। अपने पिताजी की वह राज दुलारी थी और भाई बहनों की भी, इसलिए वह बहुत सबको अधिक प्रिय रहती थी। वह घर की जिम्मेदारियां करती थी और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थी। बहुत दिन हो गए उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक उनके भाई ने उन्हें बताया, बहन साईं बाबा का व्रत करो तुम। 9 गुरुवार को साईं बाबा का व्रत करना, व्रत फलाहार करना या एक समय भोजन करना, साईं बाबा व्रत में मंदिर जाना या घर पर ही पूजा करना, व्रत पूरा हो जाने पर उद्यापन करना, साईं व्रत की 11 पुस्तकें इच्छा अनुसार बांटना, गरीबों को भोजन कराना। वह साईं बाबा को बहुत मानती थी और साईं बाबा का व्रत करने लगी। निश्चय यह किया, 9 गुरुवार का व्रत पूरा किया, श्रद्धा पूर्वक उद्यापन कर साईं व्रत की पुस्तकें बांटकर व्रत की महिमा को बढ़ाया। व्रत का पूरा होने से पहले ही मांडवी की नौकरी अच्छे पद पर लग गई और साईं बाबा का चमत्कार देख सभी लोग हैरान रह गए। तभी मांडवी बहन ने बताया, साईं बाबा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार जो भी मनुष्य साईं बाबा का व्रत करता है, अच्छे मन से उनका ध्यान करता है, श्रद्धा और सबूरी मन में रखता है, उनके साईं बाबा अवश्य सभी कष्ट दूर करते हैं और इच्छा पूरी करते हैं। साईं बाबा सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी जो मन में रखेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरे प्रिय भक्तों, कमेंट में हमें श्रद्धा और सबूरी जरूर लिखें। साईं बाबा की कृपा से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। सबका मालिक एक।